दोस्तों अगर हम बात करें YouTube की तो आजकल ट्रेंड में चलता है ब्लॉगिंग। अगर आपको बातें करनी आती हैं तो आप ब्लॉगर बन सकते हो। और कई लोगों का सपना भी है कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे ब्लॉगर बनना है, मैं भी ब्लॉग बनाऊं। पर लोग कंफ्यूज हैं, क्या करूं, कौन सा ब्लॉग बनाऊं। तो मैं आज की वीडियो में आपको एक मस्त हिंट देने वाला हूं, और अगर आप इस हिंट को मानोगे तो आप भी अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट कर सकते हो मेरी तरह। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं भी एक ब्लॉगर हूं और घर पर रहकर ही ब्लॉग बनाता हूं, और मैंने 30 डेज तक काम किया है कंटिन्यू, और आज भी कर रहा हूं। वही 30 डेज का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्या आपको भी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले मैं बात करता हूं वीडियो अपलोड करने की। वो सोचते हैं कि कैमरे को मैं ऐसे पकड़ूं और मैं कैमरे के सामने क्या बोलूं। ये दरवाजा है, ये दीवार है, ये टीवी है। कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है प्रॉब्लम आती है, पर मैं आपको बताता हूं करना क्या है। जब भी आप वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाओ तो आपको छोटी छोटी बातें बोलनी है वीडियो में। एकदम से लंबा लंबा मत बोलो क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। छोटी छोटी बातें बोलो। अगर आप घर में वीडियो बना रहे हो तो छोटी छोटी बातें बोलो, पूरा दिन आराम से निकल जाएगा और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा, तो फिर आप ऑटोमेटिक बात करना सीख जाओगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग से अगर आप ये सोचोगे कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैमरे के सामने क्या बोलूं, तो एकदम से आज तक ना कभी किसी के साथ हुआ है और ना कभी किसी के साथ होगा। आपको धीरे धीरे सीखना होगा। सौरव जोशी के चैनल पर 30 दिन के अंदर 10 करोड़ व्यूज हो गए हैं। क्या स्टार्टिंग से उसने स्टार्ट किया था तो क्या उसको भी स्टार्टिंग से बोलना आया था? नहीं आया था, उसने भी धीरे धीरे करके सीखा। मैंने सौरव भाई के सारे वीडियो देखे हुए हैं, पहले के वीडियो में क्या फ़र्क था, अभी के वीडियो में क्या फ़र्क था, तो वो ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट कि आपको कैसे वीडियो बनाना चाहिए। देखो आपके पास मोबाइल होगा और ये छोटा सा देख सकते हो मेरे पास, इसको गोरिल्ला कुछ भी समझ सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। कैमरे में ये फ्रंट कैमरा होता है, इससे आप वीडियो ना बनाओ क्योंकि इसमें क्वालिटी खराब आती है। कोशिश करो कि आप बैक कैमरे से वीडियो बनाओ, इस तरीके से मोबाइल पकड़ो और डायरेक्ट वीडियो बनाओ। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी आपको, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ और मैंने 4-5 दिन बना के देखा है। फर्स्ट दिन मैंने बनाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बनाऊं क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं तो पता नहीं चलता है। पर 3-4 दिन आप कैमरे के सामने बोलोगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी। और दूसरा पॉइंट कि पीछे से वीडियो बनाओगे तो आपके वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। जितनी फ्रंट कैमरे में क्वालिटी नहीं होती है उससे डबल ज़्यादा बैक कैमरे में होती है। तो कोशिश करो कि आप बैक कैमरे से वीडियो बनाओ जिससे आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। और तीसरा पॉइंट, लोग सोचते हैं कितने वीडियो अपलोड करूँगे तो मेरा वीडियो वायरल हो जाए, तो ऐसा सोच के कभी काम मत करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको अपने आप से एक टारगेट लगाना है कि 21 दिन तक मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा मेरे व्लॉग चैनल पर। कोई भी व्लॉग हो XYZ, आपको डेली व्लॉग अपलोड करना है। मैं भी अपने व्लॉग वाले चैनल पर कंटिन्यू 1 महीने से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे वीडियो पर कम से कम वीडियो क्या मेरे चैनल पर टोटल 25-26 व्लॉग हो गए होंगे। मैंने 21 दिन तक कंटिन्यू व्लॉग अपलोड किया तो उससे क्या हो गया, मुझे हैबिट लग गई। अब मैं डेली वीडियो बना सकता हूँ। स्टार्टिंग से आपको प्रॉब्लम होगी पर आप अपने मन को मत मारना और डेली वीडियो बनाने की कोशिश करना, आपको हैबिट हो जाएगी, फिर आपको खुद ब खुद मज़ा आने लगेगा। और एडिटिंग अगर आपको नहीं आती तो एडिटिंग सीख लेना। एडिटिंग वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। अगर एडिटिंग नहीं सीखोगे तो लोगों को मजा नहीं आएगा वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो में क्या बोल रहे हो, आपको कितना कट करना है सीखो। काइन मास्टर से आप एडिट कर सकते हो। मैं अपने ब्लॉग को काइन मास्टर से ही एडिट करता हूँ, तो काइन मास्टर के साथ समझो कैसे एडिट करनी है। बड़े बड़े ब्लॉगर को देखो, एडिटिंग के ट्यूटोरियल देखो कि कैसे एडिट होती है, उनको देखकर आप अपना दिमाग लगाकर एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फोर्थ पॉइंट आता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कौन सा ब्लॉगर बनूँ।
फैमिली ब्लॉगर बनूं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर बनूं, मोटो ब्लॉगिंग करूं, राइडिंग करूं, क्या करूं? दोस्तों आपको जिसमें मज़ा आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वही आपको करना चाहिए। स्टार्टिंग से आप करोगे ना तो लोग आपको गाली बोलेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि तू ऐसा ब्लॉग बनाता है, तुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी आपको ब्लॉग बनाना नहीं आता है। और जब आप धीरे 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 करते करते ग्रो होते जाओगे ना, वही लोग फिर ये बोलेंगे कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, हम आपके फैन हैं। तो आपको काम नहीं छोड़ना है, और ये भी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं कौन से ब्लॉग बनाऊं। अगर आपको फैमिली ब्लॉग बनाना है घर में बैठकर, तो आप फैमिली ब्लॉग भी बनाओ, वो भी एक कंटेंट है, वो भी एक आर्ट है। आपको करना कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बाहर घूमने जा सकते हो तो बाहर घूम के वीडियो बनाओ, ट्रेन में घूम सकते हो ट्रेन के वीडियो बनाओ, मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो मोटो ब्लॉगिंग करो, राइडिंग करो, जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है वो स्टार्ट करो और उस पर कंटिन्यू रहो। धीरे धीरे ग्रो हो जाओगे, एकदम से कोई ग्रो नहीं हो पाता। फिफ्थ पॉइंट, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और काम नहीं छोड़ना है। लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, मुझे भी बोलते हैं ब्लॉग चैनल पर, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनता हूँ। मुझे बोलते हैं तुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता, मैं एक फ्रेशर ब्लॉगर हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजी चैनल वाला हूँ, ब्लॉगर नहीं हूँ, पर मैं सीख रहा हूँ, सीखते 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 मैं भी परफेक्ट हो जाऊँगा एक दिन। तो आपको भी वैसे ही काम करना है। डीमोटिवेट हो गए, छोड़ नहीं देना है, ये सोचकर भी नहीं छोड़ना है कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रही है। ब्लॉग चैनल पर आपको ऐसे काम करना है कि जैसे आप अपनी रोजिंदा जिंदगी को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, उसमें आपको अपने व्यूज़ नहीं देखने हैं। जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं आने दो, आपको मज़ा आना चाहिए वीडियो बनाने में। मजाक मस्ती करो घर में, अपने पापा मम्मी बहन भाई जो भी है सबके साथ मिलकर ब्लॉग बनाओ, जैसा बनता है वैसा बनाओ। अभी नहीं चलेगा लेकिन एक दिन ज़रूर चल जाएगा। सौरव जोशी भाई ने जब चैनल स्टार्ट किया था तो उनके वीडियो पर भी व्यूज़ नहीं आते होंगे, लेकिन अभी उनका एक रिकॉर्ड बन चुका है कि 30 दिन में 10 करोड़ व्यूज़ आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लेवल में अगर ग्रो होने वाली चैनल है तो वो सौरव जोशी भाई की चैनल है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेक कर लेना, वैसे सब कुछ सब कोई जानता ही होगा। और हाँ, अगर आपने मेरी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो और मुझे भी ब्लॉग चैनल पर सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।